तो दोस्तों तारक मेहता के लेटेस्ट एपिसोड में काफ़ी ज़रा मज़ा आने वाला है। मुझे जो स्टोरी देख के लग रही है वो बहुत ज़रा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि जो हमें लेटेस्ट प्रोमो में जो स्टोरी दिखाई गई है वो इतनी ज़रा इंटरेस्टिंग है कि आपको सुन के मज़ा आ जाएगा। आइए इस वीडियो में देखते हैं हुआ क्या है। होता यूँ है कि जो हमारे जेठालाल है वो आधी रात को सोए हुए होते हैं और फिर उनको कोई कॉल करता है और बताता है कि जो सुंदरलाल है उसे पुलिस ने पकड़ लिया है, वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा जेठालाल है वो सभी गोकुलधाम वालों को जगाता है, जैसे कि हमारे सोडी भाई हो गए, फिर हमारे तारक भाई, भीड़े, ये सब जागते हैं, पोपटाल भी शायद होंगे उसमें, और ये सभी पुलिस स्टेशन जा रहे होते हैं सुंदरलाल से मिलने के लिए। लेकिन हम देखते हैं लेटेस्ट प्रोमो में कि इन चारों को जो जीप में रहते हैं इन चारों को भूत दिख जाता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि लेटेस्ट प्रोमो में इस तरह की स्टोरी दिखाई जाने वाली है जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे लगता है कि ये असली का तो भूत नहीं होगा, कोई ना कोई इंसान ही होगा, हो सकता है कि सुंदरलाल का कोई दोस्त हो। लेकिन जो भी हो, ये जो स्टोरी है ना सुंदरलाल पे स्टोरी, ये देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि जो हमारे जेठालाल है वो बहुत ज्यादा परेशान होने वाले हैं इस बार। और दोस्तों सुंदरलाल की स्टोरी इसीलिए खास हो जाती है क्योंकि जो हमारी दया बहन है उनके बारे में कोई न्यूज पता नहीं चलता कि वो कब आने वाली है, क्यों आने वाली है, कैसे आएगी। तो जब भी हमारे सुंदरलाल तारक मेहता शो में आते हैं ना, तो एटलीस्ट हमें एक हिंट मिल जाता है, जो हमारे सुंदरलाल है वो एक हिंट दे देते हैं कि मतलब दया भाभी कब आ सकती है। तो दोस्तों आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि जो हमारे लेटेस्ट एपिसोड होने वाले हैं ना वो काफी ज़रा मजेदार होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।